आज हम रूबरू हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी ये पहचान हो सकती है कि वो गांधी नेहरू परिवार से हैं, जो प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं, जो सोनिया गांधी के नातिन हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर रेहान वाड्रा की एक पहचान है कि वो एक मंजे हुए फोटोग्राफर हैं, और अभी उनकी पहली प्रदर्शनी दिल्ली के बीकानेर हाउस में चल रही है, जहां हमसे बातचीत के लिए मौजूद हैं खुद रेहान वाड्रा। रेहान, आपका स्वागत। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहती हूं आपके इस पहली फ़ोटो प्रदर्शनी पे। जैसे आपका ये टाइटल है डार्क परसेप्शन, तो जब हमने देखा प्रदर्शनी को तो ऐसा लगा कि बिल्कुल घुप अंधेरे में और रोशनी के साथ जब तस्वीरों का एक वो अलग ही एहसास हुआ, तो इस तरह की प्रदर्शनी करने का ख्याल आपको कैसे आया इस कॉन्सेप्ट के साथ? इस कॉन्सेप्ट के साथ ख्याल आया क्योंकि मुझे 2017 में मेरी आँख में चोट आई थी और अब एक लेफ्ट आई से दिखता नहीं है, तो मेरे फोटोग्राफी में मेरे काम में बहुत डार्कनेस का इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए मैं सोचा था कि पूरा एग्जीबिशन, जैसे नॉर्मल एग्जीबिशन तो लाइट में होता है, ऐसे फ़ोटो लगे रहते हैं, पूरा एग्जीबिशन उल्टा अंधेरे में क्यों ना करें, कैसे लगेगा। एक तो वो था, एक दूसरा था कि कुछ अलग करना है, तो मैंने सोचा अंधेरे में कर लेते हैं, थोड़ा बैक लाइट, लाइट बॉक्स यूज़ करके। बहुत ही सुंदर कंसेप्ट, और इसमें जो म्यूज़िक का इफ़ेक्ट था वो बहुत ही कमाल का था, और बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे आप किसी गज़ल की महफिल में बैठे और आप मज़े ले रहे हैं और बहुत कोई उम्दा शायरी या कविता सुन रहे हैं। तो ये पोएटिक अंदाज़ जो था आपकी प्रदर्शनी का, आपकी एग्जीबिशन का, तो क्या आप लिटरेचर से, आप इंटरेस्ट है आपको लिटरेचर में? नहीं, ज़्यादा लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत बुक्स बहुत पढ़ता हूँ पर ज़्यादा मतलब हैवी लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे गैलरी के अंदर एक सेंसरी ओवरलोड बनाना था कि मतलब साउंड, साइट, पूरा उसका एक पूरा एक साथ मतलब अच्छा एक्सपीरियंस बनाना चाहता था, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट साउंड था। इसलिए जब आप सुनते हो कि बहुत लाउड म्यूज़िक है, बहुत मतलब स्मूथ म्यूज़िक है, और जब अंधेरा रहता है तो वो और ही ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है। आपने, मैंने ये पढ़ा है कि आपने फोटोग्राफी का प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग जो है न्यूयॉर्क से लिए है, उसके अलावा आप किन से इंस्पायर हुए हैं फोटोग्राफी में? तो ट्रेनिंग तो कभी नहीं लिया, मैं 10 दिन का एक कोर्स किया था, छोटा मोटा कोर्स, तो वो ट्रेनिंग नहीं था, ट्रेनिंग तो सेल्फ ट्रेन्ड हूँ। इंस्पिरेशन तो पहले कैमरा तो मम्मा ने दिया था क्योंकि वो फोटोग्राफी करते हैं, पर फोटोग्राफिक इंस्पिरेशन मेरी अपनी लाइफ से आती है, दूसरों की लाइफ से आती है, कि मतलब जैसे कोई एक चीज़ या एक जना नहीं है जिनसे इंस्पिरेशन मैं लेता हूँ, मतलब बहुत लोग हैं, बहुत चीज़ें हैं। जंगल में कुछ इंस्पिरेशन होता है, स्ट्रीट फोटोग्राफी में कुछ इंस्पिरेशन होता है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में कुछ इंस्पिरेशन होता है, तो बहुत सारे इंस्पिरेशन है, इसलिए मैं जब कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ पूरी लाइफ से इंस्पिरेशन है। आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट फोटोग्राफी के लिए? अभी भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होगा, पर शायद थोड़ा सा अब मुझे स्ट्रीट फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जितना पसंद आने लगा है। स्ट्रीट फोटोग्राफी और पहाड़ों पर? पहाड़ों पर तो लैंडस्केप मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, पर फिर भी पहाड़ों में इतना मुश्किल नहीं होता है, तो बहुत इजी फोटोग्राफी होता है, तो वो मुझे पसंद है, पर स्ट्रीट फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी थोड़ा और चैलेंजिंग है, तो थोड़ा और मज़ा आता है उसमें। एक चैलेंज ये भी है कि घर के लोगों में से किसी एक को अपना सब्जेक्ट बनाना, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आप अपने घर में आप किसको अपना सब्जेक्ट बनाएंगे और क्यों? घर में प्रॉबली मेरी बहन मिराया, वो है एग्जीबिशन में, एक फोटो है वो जो बीच पे, हाँ वो है, तो वो मतलब एक इंग्लिश में कहावत है ना, अनअपोलोजेटिकली मी, वो वैसे उनका एटीट्यूड, लाइफ का एटीट्यूड ऐसे है, इसलिए जब ऐसे लोगों की फ़ोटो लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो खुद को बहुत एक्सप्रेस करते हैं फ्रीली, तो तब उनको फ़ोटो लेने में, उनकी फ़ोटो लेने में मज़ा आता है। आपको इस आपकी पहली एग्जीबिशन पे बहुत से कमेंट्स मिल रहे होंगे, तो अब तक का सबसे अच्छा कमेंट कोई अगर ऐसा हो, या कोई फ़ैन मोमेंट आपका अगर शेयर करना चाहें? एक कोई मोमेंट नहीं है, मतलब बहुत बहुत
बहुत प्यार आया लोगों का, बहुत अच्छे कमेंट्स मिले, तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को, और बहुत अच्छा लगता है। पर एक मतलब जैसे कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता, सबका प्यार और आशीर्वाद और अच्छे कमेंट्स बहुत बहुत अच्छे लगे। दिल्ली के बाद कहीं और किसी इंडिया के किसी और शहर में फोटोग्राफी एग्जीबिशन की योजना आपकी? होपफुली कर सकते हैं, अभी तो पहले दिल्ली वाला कल ख़त्म होगा, फिर मैं मुझे 2-3 दिन का छुट्टी लेना है कि मैं थक गया 7 दिनों के बाद, तो उसके बाद देखते हैं, होपफुली कहीं और बहुत अलग जगह में करेंगे। फोटोग्राफी के अलावा आपका कोई और शौक? हाँ, मेरा एक रीडिंग है और फुटबॉल मेरा सबसे बड़ा शौक है, फोटोग्राफी से भी ज़्यादा। तो हाँ, मेरा पॉडकास्ट भी है, 18 यार्ड्स पॉडकास्ट, वो भी चलता है फुटबॉल के बारे में, तो फुटबॉल, रीडिंग, म्यूज़िक। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने बचपन से ही, आप एक ऐसी फैमिली से हैं जहाँ नेचुरली लाइमलाइट में हमेशा रहे हैं, तो कई अच्छी बातें कई बुरी बातें दोनों तरह के सुनने मिलती होंगी। आपकी एज, जिस एज में आप हैं उसमें कई बार बहुत जल्दी आप उसमें फ्रस्ट्रेशन में भी आते हैं, गुस्सा भी आता होगा, खुशी भी होती होगी, कैसे इन सब चीज़ों से डील करते हैं? तो पिछले 2 साल से जब से हम लोग सब घर पे फंसे हुए हैं, मैंने एक मंत्रा लाया अपने ज़िंदगी में कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें के बारे में सोचूंगा, पॉजिटिव वाइब्स आने दूंगा लाइफ में, मतलब दूसरे लोगों की तरफ से, मतलब जो भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जो भी मतलब क्रिटिसिज्म, आई लाइक क्रिटिसिज्म, वो पसंद है मुझे। अगर कोई मेरे काम पे क्रिटिसाइज़ करेगा वो पसंद है, वो मैं सही से लेता हूँ, वो मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि मैं अगर ये वैलिड है तो मैं इसको कैसे चेंज करूँ, किस कैसे और काम बेहतरीन करूँ। पर जो नेगेटिव कमेंट्स और बाकी सब आते हैं, मतलब नॉन वैलिड रीजंस, अगर मैं कहूँ कि मेरे बारे में नहीं है, कि ड्यू टू अदर सर्कमस्टांसेस आते हैं, वो मैं उनकी मैं देखता भी नहीं हूँ ज़्यादा, वो मैं जाने देता हूँ। फोटोग्राफी आपका अभी हॉबी है, पैशन है, और आगे प्रोफेशन भी होगा या कुछ और किसी उसमें आप जाना चाहेंगे? अभी से ही प्रोफेशन शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने इसके फोटोग्राफी को लेके 2 साल पहले अपना बिजनेस शुरू किया था। हाँ, तो अभी से ही प्रोफेशन स्टार्ट हो गया है। हाँ। पॉलिटिक्स में जाने की कोई आपकी प्लानिंग कभी? क्योंकि अक्सर मतलब ये होता है कि नेहरू गांधी फैमिली से है तो वो एक नेचुरली वो माना जाता है कि वहाँ जाएंगे, और बहुत से लोग, आपका फ़ैन क्लब भी है, आपको लोग फ्यूचर पीएम के उस पर भी देखते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, अभी तो कोई प्लान नहीं है, और मतलब लोगों का प्यार जैसे आप बोल रहे हो बहुत अच्छा लगता है, पर अभी तो बहुत ही ज़्यादा प्रिजम्पशस है कि मैं आऊँ, या आई विल हैव टू डू समथिंग, यू नो, लाइक आई एम नॉट प्लानिंग ऑन एट द मोमेंट, बट टू बी इवन कंसिडर्ड फॉर दैट, देन आई विल हैव टू, यू नो, डू समथिंग ग्रेट, बट एट द मोमेंट आई एम फोकस्ड ऑन फोटोग्राफी। जैसे नेपोटिज्म का वो आरोप लगते ही रहते हैं, और आप पॉलिटिक्स में नहीं है लेकिन आप फोटोग्राफी में, आपने एग्जीबिशन लगाई, लेकिन हो सकता है यहाँ भी आपको इस तरह के कोई ख़राब कमेंट सुनने मिलते होंगे, तो इनसे आप कैसे डील करते हैं, क्या लोगों को जवाब देना चाहेंगे? देखो, जवाब तो ये है, माय वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ठीक है? तो इफ समवन, अगर कोई यहाँ आएगा, काम देखेगा, फिर बोलेगा कि यू नो बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म और योर वर्क इज़ नॉट गुड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, फिर चलो, फिर मैं उनसे उनका कमेंट थोड़ा वैलिड समझूंगा, पर बिना काम देखे अगर कोई कमेंट करेगा तो वो तो मैं छोड़ो, मैं तो देखूंगा भी नहीं। और विद रिलेशन टू फोटोग्राफी एंड आर्ट, मेरा सिंपल सा जवाब यह है कि देखो, मैं किसी का आर्ट जज नहीं कर सकता, ठीक है? बिकॉज आर्ट इज़ आर्ट, आर्ट इज़ इन द ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो अगर किसी को मेरा आर्ट पसंद नहीं आया तो देयर ओपिनियन, आई एम वेरी हैप्पी विद देयर ओपिनियन, आई एम वेरी हैप्पी इफ दे डोंट लाइक इट, आई एम वेरी हैप्पी इफ दे लाइक इट और डोंट लाइक इट। तो ये जैसे आरोप आते हैं, आई डोंट लेट देम अफेक्ट मी, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट विद माई वर्क, आई नो दैट आई हैव ब्रॉट माई सेल्फ टू दिस पॉइंट, कि मैं खुद अपने ही मेहनत के, अपने ही तौर से
फोटोग्राफी वाइज यहाँ पहुँचा हूँ, और अगर जिनको भी बोलना है वो बोल सकते हैं। आपकी मदर की तुलना अक्सर उनकी दादी से होती है, आपकी तुलना कभी किसी से हुई है, आपके मामा से, आपके नाना से? अगर ऐसे हुआ तो आपको कैसा लगा? आई डोंट थिंक ऐसे हुआ है अभी, क्योंकि मम्मा और उनकी दादी तो उनका हेयर स्टाइल एक है और थोड़ा एक लगते हैं, पर मेरी तो अभी ऐसे हुई नहीं है। आप अपने फैंस को और इस देश के यूथ को, क्योंकि आपने इस एज में पढ़ाई के साथ साथ आपने एक अपना करियर अभी से चूज़ कर लिया और एक अपनी हॉबी को प्रोफेशन के रूप में आप सीरियसली ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने उम्र के लोगों को और यंगर जनरेशन को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? या कि मतलब जितना ज़्यादा कर सकते हो, आई बिलीव आई एम वेरी लकी टू बी एबल टू, कि मैं फोटोग्राफी जो मेरा पैशन है कि मैं उसको प्रोफेशन बना के काम करूं। तो मैसेज यही होगा कि देखो, काम तो सबको करना पड़ता है, पर कुछ ना कुछ अपना पैशन रखो और कुछ ना कुछ क्रिएटिव या आर्ट टाइप या कुछ आपका इंटरेस्ट अलाइव रखो। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान। तो ये थे रेहान वाड्रा, जो गांधी नेहरू फैमिली के हैं, लेकिन इनकी अपनी एक अलग पहचान अभी से बनने लगी है। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू।